तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है, आज हम लोग कर रहे हैं अपॉक्सी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक पुराना टेबल था जिसको कि मुझे रिबॉन्ड करना था, तो मैंने उसके लिए उसको पेंट किया, उस पर एक डिज़ाइन बनाया और उसको गोल्डन कलर से कलर किया। मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं उस टाइम श्योर नहीं थी कि मैं आगे जाके वीडियोस बनाने वाली हूँ, पर मैंने अपने लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक किए थे जो कि मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एज यू कैन सी द वर्क इन प्रोग्रेस। मेरा दूसरा टेबल जिसको कि मैंने वाइट कलर किया और उसके ऊपर मैंने परमानेंट मार्कर से एक डिज़ाइन बनाया। सिर्फ मैं इसको ब्लैक एंड वाइट ही रखना चाह रही थी तो मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर यूज़ किया इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। मैंने अपॉक्सी ऑनलाइन बाय किया है और ग्लिटर ऑप्शनल है। मैंने ग्लिटर डॉलर ट्री से ख़रीदा है। अपॉक्सी को मिक्स करने के लिए हमें चाहिएगा एक कंटेनर और एक स्पून या स्टिक उसको मिक्स करने के लिए। तो अभी जादू ने मेरे साथ ज्वाइन किया है और वो बता रहा है कि हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो लेट्स टेक अ लुक अगेन। To start epoxying, you will need crystal clear epoxy resin and crystal clear epoxy hardener. And you will need a bowl to mix up the epoxy. And something to stir it up with. And the additional item is glitter if you want to add it. And the next thing you will need is a leveler to make sure your table is leveled while you're epoxying. And a type of torch to make the bubbles go away. Very, very professional. तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं अपॉक्सी रेजिन और हार्डनर को। इन दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है और काफ़ी देर तक स्टर करना है, कम से कम 5 से 7 मिनट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं मिक्सिंग और जादू मुझे इसमें हेल्प कर रहा है। उसे थोड़ी देर किया और उसके बाद वो गायब हो गया कि आई एम डन। तो मैं इसको अभी भी मिक्स कर रही हूँ और एक लंबा प्रोसेस था एज आई टोल्ड कि 5 से 7 मिनट तक मिक्स करना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्लिटर, ये जादू ने किया है। मैं थोड़ा और ऐड करना चाह रही थी पर मुझे भी उस टाइम आइडिया नहीं था कि हमें कितना चाहिएगा। तो लेकिन अब देखने के बाद लग रहा है कि हमने थोड़ा सा कम किया है।
तो ग्लिटर डालते हुए मैंने नाइफ को छोड़ दिया और वो सॉल्यूशन में डूब गया। और फिर जादू ने शोर मचाना शुरू किया, मामा इट्स अ फे, और मैंने कहा कि कोई नहीं, इट्स ओके, ऐसा होता है। तो अभी हम इसको फिर से मिक्स कर रहे हैं ग्लिटर डालने के बाद, और अब हम इसको टेबल पे डालेंगे। तो अपोक्सी डालने से पहले हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारा टेबल लेवल है। अगर वो लेवल नहीं होगा, थोड़ा भी टेढ़ा होगा, तो अपोक्सी एक साइड पे ज़्यादा चला जाएगा और दूसरी साइड पे कम होगा। तो ज़रूर मेक श्योर करना है कि अपोक्सी करने से पहले कि टेबल लेवल हो। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। हम लोग डाल रहे हैं अपोक्सी को टेबल पे, और फिर इसको किसी नाइफ़ या स्पैचुला या कुछ भी फ्लैट चीज़ या ब्रश से हम इसको सारी टेबल पे फैलाएंगे। तो अब हम इसको एक फ्लैट नाइफ की हेल्प से चारों तरफ इवनली फैला रहे हैं, और टॉर्च की हेल्प से सारे बबल्स को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर बबल्स रह जाएंगे और वो उसी के साथ सेट हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है मेरा दूसरा टेबल जिसका कि आज मेकओवर होने वाला है, और इसको मैं अभी क्लीन कर रही हूँ एक टिश्यू से। और ये जो मैं टिश्यू से क्लीन कर रही थी, तो इसके जो ग्रूव्स हैं उसके अंदर वो टिश्यू का वाइट वाइट पार्ट फंस गए, जो कि मुझे एक ब्रश की हेल्प से फिर बाद में साफ़ करने पड़े। तो ये है मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट, पोरिंग द अपॉक्सी। बहुत अच्छा लग रहा था इसमें जो बबल्स थे वो देख के और ग्लिटर देख के। मुझे ग्लिटर बहुत अच्छा लगता है, मुझे शाइनी और स्पार्कली चीज़ें बहुत पसंद हैं, मुझे ग्लास और मिरर्स ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए शायद मैं ये चीज़ ट्राई भी कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद टेबल पर एक ग्लास जैसी फिनिश आ जाएगी। तो अपोक्सी डालने के बाद मैंने इसको फ्लैट आउट किया नाइफ़ की हेल्प से, और इसके बाद हम इसको टॉर्च करेंगे, क्योंकि जितने भी बबल्स हैं वो सब गायब करने हैं। और उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे कम से कम 24 to 72 hours। इसके लिए एक टेम्परेचर भी चाहिए होता है अपोक्सी को डालने के लिए, जो कि है 70 to 75। तो आई थिंक हमारे घर का टेम्परेचर 75 था जिस टाइम पे हम लोगों ने अपोक्सी किया। 75 जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट्स में है। तो टॉर्च करते हुए मुझे लग रहा था कि मैं स्पार्कल को जला दूंगी। जब आप पहली बार कोई चीज़ ट्राई करते हो तो पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। मैंने भी कुछ वीडियोस देखी थी, उसको देखने के बाद ही मैंने इसको ट्राई किया, पर
फिर भी जब खुद करने लगते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है, पर मेरी स्पार्कल नहीं चली। तो ये बहुत मेस्मराइजिंग है। जब मैं सुबह उठी और मैंने अपनी टेबल को देखा, उसका जो रिफ्लेक्शन बाहर से आ रहा था ट्रीज़ का, वो बहुत अमेजिंग था। तो ये है मेरी टेबल का फाइनल लुक। बहुत ही मैजिकल लग रहा है जब स्पार्कल इस पर शाइन कर रहा है। और पहले एक गंदा सा टेबल था, लेकिन अभी इसकी पूरी चीज़ चेंज हो गई है और अब मेरे लिविंग रूम का सेंटर पीस होने वाला है। और इसी के लिए मैंने कुछ कुशन कवर्स बाय किए थे इंडिया से ऑनलाइन, जो कि मेरे भाई ने मेरे लिए किए, वो भी मैं इसके साथ में ऐड कर रही हूँ। सो यू कैन इमेजिन कि कैसा लगने वाला है ये। और ये है मेरे वाइट वाले टेबल का फाइनल लुक। ये उसके कंपैरिजन में ओके लगा मुझे, क्योंकि ये वाइट था तो इस पर गोल्डन स्पार्कल इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऑल द रिकॉर्डिंग क्रेडिट गोज टू जादू। प्लीज़ एनकरेज अस विद योर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइबिंग एफर्ट्स।